आपके बारे में कहा जाता है कि आप व्यवहार कुशल तो आप हैं ही, कि जब शरद पवार जी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई गठबंधन को लेकर 19 के बाद, तो आप इतने ज्यादा व्यवहार कुशल हैं कि आपने शरद पवार जी तो माने या अजीत पवार को ही मना लिया आपने? नहीं, देखिए, मैंने इससे पहले भी इस बात को स्पष्ट किया है कि हमने शरद पवार जी से बातचीत की जी, शरद पवार जी ने हामी भरी, शरद पवार जी ने गठबंधन की बातें करने के लिए अजीत पवार जी को नमित किया, अजीत पवार जी के साथ सारी चीज़ें हमने फाइनल की, जो चीज़ें फाइनल हुई उसको पूरे तरीके से वो मैंडेट शरद पवार जी ने दिया, पर पता नहीं क्यों आदत अनुसार पवार साहब अंतिम वक्त पर बैकआउट हो गए। उस समय अजीत पवार जी ने भूमिका ली कि इस प्रकार से मुझे आगे करके आपने सारी चीज़ें तय की और ऐन वक्त पर आप बैकआउट हो रहे हैं, इस प्रकार का विश्वासघात मैं नहीं कर सकता, और इसलिए वो हमारे साथ आए, और उनके लोगों की भी इच्छा थी कि हमारे साथ वो रहना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि स्टेबल गवर्नमेंट ये बीजेपी के साथ ही बन सकती है। किंतु उस समय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुछ इस प्रकार का आया कि हम लोग उस अलायंस को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इसलिए अजीत पवार जी वापस चले गए और हम मुख्यमंत्री से विपक्षी नेता बन गए।